जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे ये फॉर्म मोबाइल से फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 11,409 पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप 17 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एमटीएस के लिए 10,880 पद है और हवलदार की पोस्ट के लिए 529 पद निकाले हैं। आप यहां पर एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी होगा नहीं। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है जो आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और यहां पर पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहां पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी, तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहां पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहां पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आपको यहां पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहां पर आपको अपना एंटर करना है, और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997 में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है, और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी, तो आपको आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी, वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, और उसको दोबारा से डाल करके यहां पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कम्प्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कम्प्लीट किया जाएगा, और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है।
क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहां पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूं मोल ऑन माय चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहां से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप यहां पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहां से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनली फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है यानी कि क्लिक करना है। अब गाइस जो आगे की जानकारी है ये फॉर्म को भरने की, जो कि आपके इस फॉर्म को भरने की मेन जानकारी है, वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से जो कि मेरी वीडियो जो कि मैंने कंप्यूटर से कैसे फॉर्म फिल करना है उसको लेकर के बनाई थी वहां से देने वाला हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो ये वेबसाइट है जहां से मैं इस फॉर्म को भरने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर मेरे जो लॉगिन है वो नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहां पर लॉगिन और जो पासवर्ड है उसकी जानकारी डाल करके लॉगिन करता हूं तो आता है प्लीज चेक योर यूजर नेम पासवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रीजन है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लॉगिन करने में, इस वजह से यहां पर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा एंड जो आपका फॉर्म है वो आप आगे
आगे वीडियो को देख करके भर लीजिए, सेम ऑप्शन है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड फिर आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि ये जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई है। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद 15 पॉइंट पर आएंगे, जहाँ पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की जो प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देंगे जो भी आपको देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सेकेंड चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा अन्य 13 लैंग्वेज ऐड की गई है, तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दे क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो बाकी के ऑप्शन है ये तभी एक्टिवेट देखेंगे जब आप एक सर्विसमैन में यस करेंगे, क्योंकि तब आप इनका आंसर दे पाएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो करके यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको अन्य इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है 19.1 की, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आपको ये बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं, जैसे कि एस सी एस टी को मिलती है और ओबीसी को मिलती है, तो आप जिसके तहत भी चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर आपको आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आपको कोई छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए, बट अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तो आप यस के ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है स्टेट यूटी, यानी कि कहां पर आप किसको कितनी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर एमटीएस की पोस्ट है, हरियाणा के अंदर एमटीएस की पोस्ट है, तो जिसको आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है वो आप यहां पर देंगे। आपको यहां पर कोड भी दिए गए हैं, तो जिस भी स्टेट को आपको प्रेफरेंस देनी है उसी का कोड आप यहां पर लिखेंगे। जैसे कि आपको पहली प्रेफरेंस 12 वाले कोड को देनी है, जैसे कि 12 कोड किसका है वो आप यहां पर देख सकते हैं, और फिर आप यहां पर बाकी की जो प्रेफरेंसेस है वो भी दे देंगे। जैसे कि 34 आपको इसको देनी है, फिर यहां पर आपको जो अगली प्रेफरेंस है वो किसे देनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एंड यहाँ पर आपको जैसे कि सभी को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर जो 72 कोड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 72 कोड लिखा और इसका मतलब है कि आपने सभी को ऑल इंडिया को प्रेफरेंस दे दी है एमटीएस की पोस्ट पर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद में गाइज अगर आपको जो आपकी हवलदार की पोस्ट है उसको भी प्रेफरेंस देनी है तो उसके जो कोड है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 72 कोड का मतलब है कि आपने एमटीएस की पोस्ट को ऑल इंडिया के अंदर प्रेफरेंस दे दी है। इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो आपको यहां पर देनी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने जो 19 तक को जो प्रेफरेंस है हवलदार की पोस्ट पर वो दी है। और उसके बाद अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी, एंड साथ ही यहां पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। बाद में आपको किसी और को प्रेफरेंस नहीं देनी है, तो फिर आप यहां पर एक्स लिख देंगे। एक्स का मतलब है कि आपको अन्य किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी है। इसके बाद यहां पर आपको जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सिलेक्ट करनी है। आप यहां पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इस पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10वीं ही मांगी है। फिर यहां पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के नीचे देखने को मिलेगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी है, तो आप यहां पर 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। पास स्टेटस में आपको बताना कि आपने पास कर लिया या फिर कर रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, एंड जो आपका पासिंग ईयर है वो आप यहां पर देखेंगे। इसके बाद में यहां पर आपकी स्टेट यूटी दी गई है, नेम ऑफ बोर्ड दिया है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भर लिया था, रोल नंबर आपका यहां पर दिया, आपकी
परसेंटेज कितनी है वो आपको फिल कर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज भरेंगे और CGPA के सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर 23 पॉइंट है कि क्या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप SSC को देना चाहते ताकि आपको वो आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहे जो अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप यहाँ पर जो भी यस नो करना चाहिए वो कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आपको ये बोला है कि आपको आपका फोटो बिना चश्मे और कैप के अपलोड करना है और ये फोटो आपका 18 अक्टूबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए, यानी कि आपने 18 अक्टूबर 2022 के बाद ही इस फोटो को लिया हो। और साइज इसका 20 से 50 KB के बीच में रखा है, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपको टिक करने का ऑप्शन है आपको यहां पर इसमें यस करना है कि हाँ मैंने 18 अक्टूबर 2022 के बाद में ही फोटो लिया है, और फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। नीचे आपका डिक्लेरेशन है, आप ये डिक्लेरेशन रीड करेंगे, रीड करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है सभी का प्रीव्यू करने के बाद अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप यहां पर एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप यहीं से अपना प्रिंट लेना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी है, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग SSC MTS एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।